हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका शमा। तो आज हम लोग का ब्लॉग है उत्तराखंड ट्रिप के ऊपर। हम लोग नैनीताल गए थे इस समर वेकेशन और हमारा रूट था पीलीभीत का। वहाँ पहुँचने में हमें काफ़ी कम टाइम लगा था और ये रूट भी काफ़ी अच्छा था। हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था लखनऊ से। ये जो गेट देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे लखनऊ का सबसे फेमस गेट है, इमाम बाड़ा गेट। और ये अंग्रेजों के जमाने का पक्का पुल है। हमारा जो रूट था नैनीताल जाने का, वहां हमें 4 टोल टैक्स मिले थे। ये पीलीभीत का फेमस कृष्ण बांसुरी चौराहा था। ये जंगल हमें पीलीभीत से हल्द्वानी के रास्ते में पड़ा था। ये फॉरेस्ट बहुत ही डेंस था, इसलिए हम लोग ने प्रेफर करा कि हम लोग अपना टूर दिन ही दिन कर ले और रात का सफ़र ना रखें। और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग पीलीभीत होके जाते हैं तो जंगल पड़ेगा रास्ते में, एक लखीमपुर में और एक पीलीभीत से हल्द्वानी के बीच। तो आप भी दिन का सफ़र करें। हम लोग को हल्द्वानी पहुंचते ही माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो गए थे। नैनीताल के रास्ते में आपको काफी सूखी नदियां भी मिलेंगी। नैनीताल की चढ़ाई 1 आवर की है और आप हल्द्वानी से नैनीताल काफी जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे आप हाइट पे पहुंचते जाएंगे, आपके व्यूज काफी अच्छे होते जाएंगे। और ये हम लोग नैनीताल की बाउंड्री पे पहुंच चुके हैं और मॉल रोड पहुंचते ही आपको एंट्री टैक्स देना पड़ेगा जो कि 100 रुपीज है। अगर आप लोग मॉल रोड से बाहर जाते हैं कोई एरिया घूमने, तो आपको वापस आके फिर से यही टैक्स पे करना पड़ेगा।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी शॉप्स, काफ़ी सारे होटल्स, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स सभी यहाँ पर पड़ते हैं। हमारी राइट हैंड साइड लैंडस्केप एरिया है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड लेक व्यू है। लेक व्यू में आप नैनीताल लेक को देखेंगे, वहाँ बोटिंग होती है और काफ़ी अच्छा इंजॉयमेंट होता है। हम लोग जब नैनीताल पहुंचे तो मौसम काफी अच्छा था, बारिश जैसा माहौल था। और हमारे होटल के रास्ते में हमें नैनीताल का हाई कोर्ट भी देखने को मिलेगा। हमारे इस ट्रिप का स्टे आ चुका है जो कि कुमायूं मंदिर रेस्ट हाउस था। जब भी नैनीताल आते हैं तो इसी रेस्ट हाउस में रुकते हैं और ये हमारा 5th to 6th टाइम होगा जब हम लोग इस रेस्ट हाउस में ठहरे हैं। और इस बार तो इसका इंटीरियर भी काफी अच्छा था और ये फिर से रेनोवेट हुआ था। ये रेस्ट हाउस बाकी सारे होटल से काफी अच्छा होता है, इसलिए हम लोग इसी को प्रेफर करते हैं। ये काफी नीट एंड क्लीन और इसके रूम्स काफी हाइजेनिक होते हैं। और हमारे रेस्ट हाउस में पार्किंग भी थी तो हमारी कार को पार्क करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो फिर चलिए एक छोटा सा रूम टूर हो जाए। ये रेस्ट हाउस उत्तराखंड गवर्नमेंट को बिलोंग करता है जिसके देख से इसके रूम्स काफी ज्यादा साफ और अच्छे दिखते हैं। और हमें साथ ही साथ एक वेस्टर्न पर्सनल बाथरूम मिलता है और एक बहुत अच्छे व्यू वाली विंडो भी मिलती है। हमारी स्टे में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था तो हमें अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की कोई टेंशन नहीं रहती थी, वो हमें रेस्ट हाउस की तरफ से मिलता था। यहाँ किड्स के लिए गार्डन एरिया और प्ले एरिया था और एडल्ट्स के लिए जिम था, पर जिम शायद मेंबरशिप लोगों के लिए ही था। यहाँ पर खास ध्यान हाइजीन के ऊपर रखा जाता था, कोरोना के देखते हर चीज सैनिटाइज की जाती थी और काफी क्लीन प्रेजेंटेशन करते थे। हमारे 4 days के स्टे में हमें चेंज कर करके ब्रेकफास्ट मिलता था, कोई भी ब्रेकफास्ट रिपीट नहीं होता था। आज के ब्रेकफास्ट में है सैंडविच, एग, पोहा।
और साथ ही साथ हमें बेसन की रोटी मिली, आलू की सब्जी मिली और उसके साथ थोड़ा सा चटपटा सा खट्टा मीठा अचार। और ये रहे हमारे फ्राइड राइस। आपको ब्रेकफास्ट में टी, ग्रीन टी और कॉफी भी मिलेगी। और हाँ, अगर आप लोग मिल्क प्रेफर करते हैं तो वो भी रहता है ब्रेकफास्ट में। अगर आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी ट्रिप की आगे की जर्नी नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी, तो उसे आप मिस मत करिएगा।